लगा बात सही क्या, और इसलिए चूहा पिटारी नक्षत्र बना रहा है और उसके दांत तो नुकीले और पहने हैं। अब जब पिटारी नक्षत्र बना रहा है ना महाराज, अब सर्प देख रहा है कि अभी मेरे बनने के लायक नहीं है, चूहा को पसीना आ गया बेचारे को, लगा हुआ है और पिटारी नक्षत्र बनाने पर नुकीले पहने दांतों से आज अलग करता जा रहा है, चित्र बनाता जा रहा है, अब सर्प देख रहा है ताकता हुआ, मेरे बनने के लायक चित्र हो गया है। और देखिए जैसे उसके बनने के लायक चित्र बना, निकलने के लायक, और तुरंत ही मेहनत प्रयास कर रहे चूहे पर एकदम से झपट्टा मारा सर्प ने और उसकी गोविंदाय नमो नमः। भगवान विष्णु कहते हैं देवताओं से चाणक्य की नीति कहते हैं, बात समझ में आई, इसलिए कह रहा हूं जाओ देवताओं दैत्यों से मित्रता करो। देवताओं ने कहा हाँ भगवान समझ में आ गया। भगवान ने कहा तू और कोई सहारा नहीं है, यही सहारा है। देवता लोगों ने आकर के दैत्यों से मित्रता करना चाहा है, लेकिन शुक्राचार्य जी ने कहा हमें यह मित्रता स्वीकार नहीं है, क्योंकि भैया ये हमें अमृत की चाहना ही नहीं है, क्योंकि हम संजीवनी विद्या जानते हैं और अपने शिष्यों को सुरक्षित करना हमें आता है। बृहस्पति जी कह रहे हैं जगत में जो आता सदा रह न पाता और रहता सदा वो है आता न जाता, आपका क्या पता कहाँ मिले कहाँ जाए क्या हो, लेकिन अमृत पी करके तो ये अमर हो जाएंगे ना, फिर किसी संजीवनी की ने आवश्यकता नहीं होगी, इसलिए हमारी बात मानो अमृत निकलेगा, इसलिए आप सागर मंथन की तैयारी करो। देवताओं ने जब ऐसा कहा तो दैत्यों ने भी परामर्श मान लिया और यह समुद्र के किनारे पर आगे साथ था। लेकिन सागर मंथन करने के लिए मंद्रा जल पर्वत को उखाड़ना चाहा है इन्होंने, प्रयास किया, लेकिन बहुत भारी होने के कारण वह मंद्रा जल पर्वत जब नहीं उखड़ा तो भगवान गोविंद ने स्वयं, भगवान श्री हरि ने स्वयं उसे बहुत विशाल बाहुबल से उखाड़ा और उखाड़ करके समुद्र में डाला। लेकिन आज वासु सर्प को रज्जू बनाया खींचने के लिए, और जब वासु सर्प को रज्जू बना दिया खींचने के लिए तो देवता लोगों ने ना, भगवान ने कहा देवताओं यह सागर मंथन प्रारंभ होगा, इसलिए तुम एक काम करो मेरे कहने से मुख को जाकर के पकड़ लो और जिससे कि यह सागर मंथन बड़े आराम से चल पूरा हो जाए। देवताओं ने कहा प्रभु हम मुख को अगर पकड़ेंगे जाकर के तो यह मुख के द्वारा जब रगड़ होगी सर्प की तो यह विष निकालेगा, जब विष निकलेगा तो फिर हमारा बदन तो बड़ा सौंदर्यमय है गौरवण है, विष के कारण यह बेकार हो जाएंगे, हम काले नीले पड़ जाएंगे, प्रभु हमारी मदद करें आप। ठाकुर जी ने कहा तुम्हारी मदद हमेशा करना चाहता हूँ, आज भी करना चाहता हूँ, इसलिए कह रहा हूँ कि मेरे कहने से जो मैं कह रहा हूँ वही करो। भगवान के कहने से देवताओं ने मुख पकड़ लिया है, और जब मुख पकड़ लिया है ना तो राजा बलि और दैत्यों ने देखा है या देवताओं ने पहले से ही चालाकी की है, बताओ पहले ही जाकर के एकदम से देवता भागे मुख पकड़ लिया, और जैसे ही मुख को देवताओं ने पकड़ा दैत्यों ने कहा सुनो भैया यह सागर मंथन हो या ना हो हमें कोई परवाह नहीं है, अगर मंथन होगा तो मुख को हम पकड़ेंगे और पूंछ को तुम पकड़ोगे। अब देखिए ये पूंछ पकड़ने में अपने को छोटा समझ रहे हैं, दैत्य समझ रहे हैं कि हम पीछे लगेंगे पूंछ को पकड़ेंगे तो हम कहीं छोटे न बन जाए, ये अहंकार का प्रतीक होता है और अहंकार के कारण ऐसा कर रहे हैं। भगवान कह रहे हैं देवताओं से जल्दी छोड़ दो और पीछे आ जाओ, भगवान ने बहुत जल्दी सारा कर दिया, जल्दी आओ पीछे, और यही चाहते थे तुम देवताओं ने शीघ्र मुख छोड़ा और पीछे आ गया, पूंछ को पकड़ लिया मुख को पकड़ लिया, दैत्य ने सागर मंथन होना प्रारंभ हो रहा है लेकिन बहुत भारी होने के कारण यह नहीं खींच पा रहा। भगवान ने आज सहस्त्रों भुजाओं के द्वारा देवताओं के साथ लगकर और सहस्त्रों भुजाएं दैत्यों के साथ में लगाकर के यह मंद्राचल को खींचा है, और जैसे तेज घोर घनघोर गति से खींचा बहुत भारी होने के कारण यह समुद्र में नीचे जाने लगा। लेकिन जब नीचे समुद्र में जा रहा है तो देवता लोग परेशान होने लगे, उसी समय देवताओं का कल्याण चाहने वाले भगवान ने आज बहुत सुंदर रूप धारण किया भैया,
इन्होंने कच्छप रूप धारण किया और कच्छप रूप धारण करके कछुए का उस मंत्राचल को अपनी पीठ पर धारण कर लिया और सागर मंथन चल रहा है, नीचे नहीं जाने। और जैसे सागर मंथन चला, बड़ा सुंदर कहा है भैया, इस सागर के मंथन को प्रारंभ होने पर तेज गति से जब मंथन चलने के बाद मैं उससे प्राप्त होना प्रारंभ हुआ तो सबसे पहले क्या प्राप्त हुआ है, हलाहल विश्व। और देखिए सागर के मंथन से ही नहीं, दुनिया के किसी मंथन को कर लो, सबसे पहले विष ही निकलता है। विष माने बुराइयां, हमारे अंदर का जो अंदर की जो बुराइयां हैं वही पहले निकलती। मंथन किसी का भी कर लेना, चाहे दधी का मंथन करना तो माखन नहीं निकलेगा, पहले क्या निकलता है। शरीर का मंथन करो, हमारे अंदर से पहले विषय निकलेंगे हमारे, तब मंथन कर पाओगे शरीर का। काम क्रोध लोभ मोह मत्सर जैसे पापी निकलेंगे, यही तो शत्रु हैं, या विषी तो हैं हमारे जीवन में, जो विष घूम रहे हैं। जब यह निकल जाएंगे तब पवित्र माखन निकलेगा हमारे जीवन में, हमें मिलेगा। इसलिए ध्यान रखना, बड़े प्रेम से बोलेंगे एक बार राधे राधे, प्यार से बोला करो, ऐसे मुंह सकोड़ के बोलोगे तो फिर थोड़ा सा प्यार से बोला करो राधे राधे। देखिए आपका ऐसा सिस्टम लग रहा है, एक बार मैं आपको बता दूं, एक माता जी ने एक पंडित जी को न्योता दिया था, और जब न्योता दिया पंडित जी को तो अपने घर पर न्योता देने पर सभी अच्छे ढंग से, देखो ध्यान से सुनना परीक्षित महाराज, मेरी तरफ मुंह कर लिया करो कभी कभी, तुम मेरी तरफ ही मुंह नहीं करते। अब मैया ने जब न्योता दिया तो अपने घर न्योता देने वाले के लिए तो बहुत अच्छी तरह से बनाया जाता है ना, एक व्यक्ति आ रहा है और न्योता दिया है तो उसके लिए सारी व्यवस्था है। कि जब सारी व्यवस्था की तो देखिएगा, अब माता जी ने पापड़ बनाए थे, बड़े अच्छे पापड़ बना करके रख दिए थे पत्थर पर ऊंचा, कोई चूहे नहीं, कोई भी परेशान ना हो। पंडित जी आए और जैसे ही पंडित जी जब आ गए ना, वहां मैया ने थाली परोस के रख दी, सारा जो भी बनाया था ना सब कुछ रख दिया। और जब सब कुछ रख दिया तो थोड़ा सा ध्यान दें, जब सब रख दिया तो बस वही भूल गई जो पापड़ थे वो नहीं परोसे। और पंडित जी जैसे ही बैठे, पापड़ सामने पत्थर पर रखे थे, और पंडित जी का मन पापड़ में चला गया, बनाए तो मेरे लिए ही है लेकिन मैया परोसना भूल गई। अब समस्या खड़ी हो गई, अब निवाला मुख में नहीं जा रहा है पापड़ जब तक नहीं आएंगे, बड़ी समस्या। और मैया के ध्यान से उतर गए पापड़, अब वो उन्हें पता ही नहीं है कि पापड़ परोस। अब पापड़ आए कैसे, पंडित जी ने ध्यान लगाया क्या करना चाहिए। पंडित जी से मैया कह रही है देर हो गई, भोजन प्रारंभ करो ना महाराज जी। लेकिन आज सर को पूजा करके पंडित जी कहने लगे, मैया भोजन क्या प्रारंभ करें, आपको बस बाल बाल बचे, आज तुम्हारा भोजन यह मानो कि तुम्हारे ही कृपा है, कोई कुछ बच जाए तुम्हारा भोजन करना था, नहीं तो आज तो बाल ही बाल बचे। मैया कहने लगी हैरान, ऐसा क्या हो गया था। पंडित जी ने कहा मैया बस ये मत पूछो कि क्या हो गया था, ये पूछो कि बचे कैसे हो। मैया ने कहा बात तो बताओ क्या बात हो गई। मैया जब मैं आ रहा था ना मार्ग में तो इतना लंबा सांप मिला मुझे, बिल्कुल विशियर काला, कितना लंबा था महाराज जी। पंडित जी ने कहा मैया मैं अनुमान क्या बताऊं, मैं यहां से बैठा हूं ना, यहां से लेकर के जो तुम्हारे पापड़ रखे हैं ना इतना लंबा, पंडित जी को तो सांप आया, मैया को ध्यान आ गया, अरे राम मेरे तो पापड़ ही रह गए। पंडित जी तुम्हारा सांप खूब आया, जो कि पापड़ों का याद दिलवा दिया, पापड़ मुझे परोसना ही भूल गई थी,
पंडित जी मन में विचार करना, यह सांप भी तो तभी आया जब तुम पापड़ परोसना भूल गए। वैसे तुम्हारा मन आगे ही रहता है, आज प्रसाद में क्या आया है, क्या बटेगा, आज कौन जल पिला रहा है, कौन क्या करेगा, ये मन है ना इसी विषय रूपी पापड़ में लगा है। और जब तक इस विषय रूपी पापड़ में तुम्हारा मन लगा रहेगा ना, तब तक तुम कथा नहीं सुन सकते, ये सत्य है। इसलिए अपने मन को इस विषय रूपी पापड़ से हटाओ, और जब ये मन पापड़ एकाग्रता बना लो, कौन आ रहा है, कौन आएगा, क्या करेगा, हमें कुछ नहीं लेना देना, 3 घंटे कथा सुनी है, जो आ रहा है वो कथा सुनेगा, जो जा रहा है वो कथा सुन के जा रहा है, आने वाला आएगा, जाने वाला जाएगा, बस हमें तो एकाग्रता बना करके रखनी है, तब फल की प्राप्ति होती है। ध्यान रखना है, ठीक उसी प्रकार से वक्ता कथा सुनाने का प्रयास करते हैं अपने वैभव, अपने ज्ञान के द्वारा, जैसे कि एक माँ अपने पुत्र को दवा देने का प्रयास करती है। एक माँ है और एक माँ का एक ही पुत्र है, लाडला है वह, लेकिन किसी कारण से वो बीमार पड़ जाता है, और बीमार होने के कारण वो दवा नहीं ले रहा है, डॉक्टर के पास नहीं जाता, इंजेक्शन से डर लगता है, डॉक्टर का नाम सुनते ही घबरा जाता है, इसलिए माँ विचार कर रही है, इसे ज्वर है, इसे बुखार है, इसे परेशानी है, या दवा नहीं लेगा तो ये ठीक कैसे होगा, उसकी तड़प है ना बढ़ रही है माँ की पुत्र के प्रति, इसलिए विचार कर रही है कि इसे दवा कैसे खिलाऊं। और ध्यान रखना सज्जनों, आज उस माँ ने याद किया, डॉक्टर से दवा लेकर के आई, और दवा ला करके उसने विचार कर लिया कि इसे लड्डू बहुत पसंद है, इसलिए उस दवा को छोटे छोटे लड्डू बना बना करके उस दवा को उसने बंद कर दिया। उसका बेटा आया, और जैसे बेटा आया पास में गोद में बैठा, माँ कह रही है, पुत्र तुझे लड्डू पसंद है ना? हाँ मैया। बनाए क्या? हाँ तेरे लिए तो बनाए, जल्दी दौड़ के जाओ लड्डू को खा करके आ। भागा भागा गया, लड्डुओं को खाने के बाद माँ की गोद में आकर के बैठ गया वह, लेकिन माँ को विश्वास नहीं हो रहा है कि उसने लड्डू खा लिया है, इसलिए पूछ रही है बार बार, बेटा तुमने लड्डू खाया? पुत्र कह रहा है हाँ माँ मैंने लड्डू खा लिया, लेकिन माँ फिर भी पूछ रही है तूने लड्डू सारा खाया? बेटा कह रहा है माँ लड्डू तो सारा खाया, लेकिन उसके अंदर एक गुठली निकली थी, उसे निकाल के फेंक दिया। लड्डू तो सारा खाया, लेकिन उस लड्डू के अंदर में जो गुठली थी ना, उसे निकाल के फेंक दिया और लड्डू को खा लिया। तो माँ कह रही है तड़प करके, जिस गुठली को मैं तुझे लड्डू के रूप में खिलाना चाहती थी ना, वही तो दवा थी, उसने तुझे फेंक दिया और तूने लड्डू को खा लिया। ऐसे ही ये सांसारिक माया में जो आप ग्रसित हो रहे हैं ना, यह वक्ता है ना, यह लड्डू बना करके उस कथा को उसमें एक गुठली के रूप में बंद करके तुम्हें पिलाने का प्रयास कर रहा है, लेकिन फिर भी नहीं मन कर रहा है उसे पान कर, उस दवा को, उस औषधि को ग्रहण करने का, फिर भी मन नहीं कर रहा है, फिर भी मन चंचल हो रहा है, लेकिन लड्डू बड़ा है, दवा छोटी है, इसलिए तो बंद हो रही है उसके अंदर। अगर दवा बड़ी हो तो लड्डू के अंदर बंद नहीं होगी, फिर भी नहीं आप ग्रहण कर रहे, फिर भी नहीं कोई ग्रहण कर पा रहा है, फिर भी दवा माने इस औषधि को कोई नहीं चाह रहा है, कैसे हमारा कल्याण? फ्रेंड्स बोलेंगे गोविंद भगवान, तो बात वही आ रही है, जब मंथन प्रारंभ हुआ तो सबसे पहले हलाहल विष निकला, और साथियों जब यह हलाहल विष निकला तो देवता लोग परेशान होने लगे, घबराने लगे, और ये देवता लोग ब्रह्मा जी के पास में गए, प्रभु क्या करना चाहिए, यह हलाहल विष से तो सारी सृष्टि नष्ट हो जाएगी, आप तो कह रहे थे कि अमृत निकलेगा, लेकिन यह तो विष निकला है। भगवान ने कहा यह अमृत को पाना इतना सहज नहीं है, जो तुमने कह दिया कि अमृत निकलेगा, अमृत निकलेगा लेकिन उसे पाना सहज नहीं है, उसे पाने के लिए कुछ करना पड़ेगा, कुछ खोना पड़ेगा। ब्रह्मा जी ने भगवान नारायण का ध्यान किया, प्रभु अब क्या करें, उन्होंने कहा भैया इस हलाल विष से बचाने वाले तो एक ही हैं संसार में, मेरे पास में एक ही उपाय है, और वह उपाय यह है कि महादेव भगवान भोलेनाथ के पास में चलो आ, और देखिएगा वही केवल उस संकट से हमें निकालेंगे, केवल एकमात्र वही है जो इस संकट से उबार सकते हैं।
और देखिएगा यह भोले बाबा के पास में भगवान श्री हरि के द्वारा भगवान के साथ में सभी देवता लोग यहाँ पर इकट्ठा हो गए और बड़ी सुंदर स्तुति भगवान की कर रहे हैं। देव देव महादेव हे भगवानी हे करुणा वत्सल हे भूत भावन हे योगेश्वर बड़ा सुंदर काम देव देव महादेव भूतात्मन भूत भावना हे भगवान त्राहिनम शरणम पन्ना स्त्रिलोक्याय दहनात विशद त्वमेकं सर्व जगत ईश्वरो बन्धमोक्षयोः त्वं त्वां चान्ति कुशलाः प्रपन्नातिर्हर गुरु आप संसार की रक्षा करने के लिए आपको इस संसार को उबारना है भगवान आपको इस संसार की रक्षा करनी है। यह संसार संकट में पड़ा हुआ है इसलिए संकट से उबारना है आपको। प्राय माम रक्षा करो भगवान रक्षा करो आप। इस प्रकार से बहुत सुंदर भगवान की स्तुति की आज इन देवताओं ने और जब भगवान की बहुत सुंदर स्तुति इन्होंने की तो देखिए भोले बाबा ने बड़ा सुंदर कहा है भैया क्या करना है मुझे यहाँ जो देवताओं की हलचल को सुना ना तो माता पार्वती जी भगवान से कह रही है उनके पास में ही है ना बड़े प्रेम से कह रही है प्रभु ये बताओ ये शोरगुल क्यों हो रहा है। भोले बाबा बड़े प्रसन्न भाव से कह रहे हैं देवी ये देवता लोग आए हैं ये हल्ला गुल्ला यही कर रहे हैं क्यों कर रहे हैं लेकिन भगवान कह रहे हैं ये विष पिलाने के लिए आए हैं। अब बताओ तुम अर्धांगलियो मेरी मैं तुम्हें बिना पूछे तो ये इतना बड़ा कदम नहीं उठाऊंगा ना अब बताओ ये विष पान कर लूं या नहीं। माता पार्वती ने क्या कहा है देखिए भगवान शंकर से माता पार्वती कह रही हैं अगर विषपान करने के लिए देवता आग्रह कर रहे हैं भगवान तो फिर ठीक है कर लो। सुखदेव स्वामी कह रहे हैं देखो राजा परीक्षित माता पार्वती भगवान भोलेनाथ से कह रही हैं कि विष पी जाओ लेकिन भोलेनाथ से पार्वती जी ने विषपान करने के लिए क्यों कहा है ऐसा मत करना कि वो पतिव्रता नारी सती उन्होंने कह दिया अपने पति से कि तुम पी जाओ और मौका पड़ने दो हम क्या कोई कम पतिव्रता थोड़ी है हम भी कह देंगे तुम भी पी जाओ ऐसा मत कभी करना। वह भगवान देखिए वह पहले तो पतिव्रता नारी थी सती और उसके साथ साथ वह अपने पति के ऐश्वर्य को जानती थी उन्हें पता था कि इतना बड़ा विष पीने के बाद भी इन्हें कुछ भी होने वाला नहीं है ये लोक कल्याण और कुछ काम कौन सा था संसार की भलाई संसार का कल्याण जगत का कल्याण संसार को संकट से उबारने का काम था इसलिए कह दिया कि आप सामर्थ्यवान हो और इस संकट से संसार को बचाने में समर्थ हो इसलिए पी जाओ पर हमने कह दिया ना कि पी जाओ तो डेढ़ मिनट लगेगी गोविंदा ये नमो सीताराम इसलिए कभी भूल से नहीं कहना है परमात्मा के लिए। अच्छा एक बात और सुनो भगवान के आदर्शों पर चलना सीखो बड़ा सुंदर कहा है किसी ने भैया राम जी जैसा कर रहे हैं ना वैसा करो कृष्ण जी जैसा कह रहे हैं वैसा करो परमात्मा से होड़ करना या परमात्मा से बैस करना ठाकुर जी ने ऐसा किया ऐसा हम भी कर सकते हैं उन्होंने यह किया ऐसा हम भी कर लें ये ठीक नहीं है भैया उनसे बहस उनसे होड़ करना ठीक नहीं है। बोलेंगे गोविंद भगवान की आनंद कंद भगवान की देख जो जयकार हो ना जोर से लगाया करो ताकि हमें पता चले कि यहाँ जयकारो लगाया तुम पता है जयकारा जोर से लगाओगे ना थोड़ा सा तो एकदम से देखिए जनरेटर का करंट सही आ रहा नहीं आ रहा था तो कल साउंड सही नहीं चल रहा था ना जब तक करंट सही नहीं मिलेगा ना तो बल्ब भी सही नहीं जलेगा और ये भी नहीं चलेगा और करंट सही मिल रहा है तो बल्ब अच्छा जल रहा है साउंड अच्छा चल रहा है ऐसी तुम जयकारा जोर से बोलोगे ना तो करंट अच्छा मिलेगा और करंट अच्छा मिलेगा ना तो कथा भी अच्छी होगी। बोलो एक बार प्यार से राधे राधे जोर से बोलना पड़ेगा बाकी बिहारी लाल की और सुंदर स्तुति को गा रहे हैं देवता लोग आप भी गाइए मेरे साथ भगवान भोलेनाथ को मनाना बड़े प्रेम से मनाएगा।
जय जय भोलेनाथ आपकी माया है। आप भाई देवता कह रहे हैं सर्वस्व आप भाई तो हो, इसलिए आज आपकी शरण में हम आए। जय जय भोलेनाथ आपकी माया है, माया है भक्ति की शक्ति में सब कुछ पाया है। शक्ति में सब कुछ पाया है, भक्ति की शक्ति में सब कुछ पाया है। अरे उसको जिताया था, और स्वयं
साथ मेरे प्रभु राम ने भी बनाया आपको। जब रावण से युद्ध करने जा रहे हैं तो भगवान शिव को मना रहे हैं, प्रभु आपके बगैर कुछ नहीं होगा। और कितना सुंदर भाव है, अरे राम जी ने ध्यान जब तुमसे लगाया था, हाँ राम जी ने ध्यान जब तुमसे लगाया था, लंका में जो जीव का बलिदान पाया था, अरे बलिदान पाया था, अरे बलिदान पाया था। और छोटे से बानरों की सेना ने क्या किया, अभिमानी रावण का अपमान घटाया है, घटाया है, अभिमानी रावण का अपमान घटाया है, घटाया है, जय जय भोले नाथ राम की माया है, जय जय भोले नाथ राम की माया है, जय जय भोले नाथ राम की माया है, माया है, शक्ति में सब कुछ पाया है, शक्ति में सब कुछ पाया है, जय हो। Yeah.
शंकर भगवान की जय हो, आनंद कंद भगवान की जय हो, जय जय श्री राधे। भोले बाबा ने हल हल विश्व को मुख से लगाया, पान करना पत्नी में नहीं, उनकी अर्धांगिनी भी कह रहे हैं पीने में कोई दोष तो नहीं है। एकदम से मुंह से लगा करके पान करना प्रारंभ किया कि उन्हें होश आया कि मेरे हृदय में तो मेरे प्रभु श्री हरि का स्थान है। भोले बाबा ने देखा अगर बाहर निकालता हूँ विष को तो यह सृष्टि विलीन प्रलय हो जाएगी, नष्ट हो जाएगी, और अगर हृदय में ले गया विष को तो मेरे प्रभु को भारी कष्ट होगा जो कि बहुत दुखदायी होगा, जिसका मैं पश्चाताप भी नहीं कर पाऊंगा, इसलिए ऐसा तो कर ही नहीं सकता। फिर मेरी अगर उन्हें विस्पान करना होता तो फिर मेरी यार जरूरत क्यों पड़ती, इसलिए उन्होंने आज बाहर भी नहीं निकाला, अंदर भी नहीं लिए गए, इसलिए विष को अपने कंठ में धारण कर लिया है। इसलिए महादेव को विष धारण करने से कंठ नीला हो गया उनका, इसलिए देवताओं ने नील कंठ महादेव से जाना है। प्रेम से बोलेंगे आप सभी नील कंठ महादेव की। अब तो संकट टल गया, देवता और दानव दोनों फिर से वही सागर मंथन करने लगे। और देखिए अब जैसे सागर मंथन प्रारंभ हुआ है तो काम दोनों गाय निकली है जिनको अग्निहोत्र मुनि ले गई, और उसके बाद में कौस्तुक मणि निकली जो भगवान श्री हरि विष्णु ले गए, और उत्सर्वा नाम का अश्व निकला जो दैत्यों को मिला। उसके बाद में तत् ऐरावतो नामम, ऐरावत नाम का हाथी निकला, यह कैसे मिला है? तत् ऐरावतो नामम बाणेन्द्रो विनिग्रतः श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, 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 हे नारायण वासुदेव, हे नारायण वासुदेव। ऐरावत नाम का हाथी निकला, अप्सराएं निकली, कल्पवृक्ष निकला जो देवताओं को दे दिया गया। और देखिएगा उसके बाद में स्वयं शोभायमान माता लक्ष्मी जी सागर से निकल के आए, लक्ष्मी जी के आने पर ना सबके मन बदल गए। दैत्यों ने कहा इन्हें हम लेंगे, देवताओं ने कहा नहीं हमारा नंबर है, और यहाँ पर उपस्थित जो भी है ना सब लक्ष्मी की प्राप्ति की चाहना में लगे और सब पाने की इच्छा प्रकट कर रहे हैं, लेकिन देखते हैं लक्ष्मी का निवास कहाँ है। अब इधर वाले भी कह रहे हैं लक्ष्मी हमें मिल जाए, इधर वाले भी कह रहे हैं आगे वाले पीछे वाले सब पीछे पड़े, लक्ष्मी मिल जाए। ब्रह्मा जी ने कहा भैया कैसे बंटवारा होगा समझ में नहीं आ रहा, इसलिए एक काम करो अपने अपने सिंहासनों पर पंक्ति बनाकर बैठ जाओ, जिनको यह पसंद करेंगी जिनको यह चाहेंगी उनके गले में जय माला डाल देंगी, इसलिए जय माला उनको दे दी गई। और देखिए स्वयंवर कर दिया, आज सभी बैठे अपने अपने आसनों को डाल करके, सबसे पहले जा रही है माता लक्ष्मी जी जय माला लेकर के, तो ऋषि दुर्वासा बैठे हुए मन में विचार है गले में जल जाए तो बढ़िया ही है, झंझट समाप्त हो जाए। लेकिन लक्ष्मी जी ने देखा बड़े विराजमान है दुर्वासा ऋषि, ज्ञानी है, अच्छा तपेश्वरी भी है, तप भी करते हैं, लेकिन फिर ठीक क्यों नहीं है अपने लिए, वो विचार कर रहे हैं इसलिए ठीक नहीं है कि क्रोध ही बहुत है,
अगर छोटी सी बात कोई घर पर हो जाएगी ना तो क्रोध में श्राप से पहले नंबर नहीं आता है। और हमें तो किसी दिन थोड़ी गलती हो गई ना तो गोविंदा नाम वैसे ही मरना पड़ेगा। तो क्यों जाए आदमी के साथ आगे देखा है। देखिए बृहस्पति जी देवताओं के गुरु हैं, बैठे हुए हैं, लेकिन सोचा है लक्ष्मी जी ने, यह ज्ञानी है, दिव्य स्वरूप है, परंतु शिष्यों में आ सकती है इनके, ठीक नहीं है। आचार्य शुक्राचार्य जी को देखा, ये वैभवशाली है, ज्ञानी है, सभी दैत्य इनका कहना मानते हैं, इनके एक इशारे पर कुछ भी हो जाता है, लेकिन विषमता है इनके अंदर, एक ही पक्ष का साथ देते हैं। आगे देखा देवराज इंद्र बैठे हैं, यह रूपवान है, सौंदर्यमय कला है इनके अंदर, देवताओं के राजा हैं, लेकिन विवेक की कमी है, संकट पड़ने पर दूसरों का सहारा लेते हैं, अपने विवेक से काम नहीं करते। आगे बढ़ गए दैत्यराज बलि को देखा, दैत्यों के राजा है, रूपवान, युद्ध कला में निपुण, देवता भी इनसे भय मानते हैं, लेकिन आयु क्षीण कम है। आगे बढ़ गए उसकी बात में देखा है, ब्रह्मा जी विराजमान है, ये तो सृष्टि की रचना करने वाले हैं, और उसको देवता और दानव दोनों ही इनका कहना मानते हैं, लेकिन इनके मुख है ना ये ऐसे भी ऐसे चारों तरफ है, कोई भी काम नहीं करने देंगे, हर समय देखते ही रहेंगे, बैठी हो काम नहीं करना, ये नहीं करना, वो नहीं करना, क्योंकि एक मुख हो तो पीछे कुछ भी कर दे, चार मुख है तो भैया फिर तो चारों तरफ देखते ही रहेंगे, अब परेशानी हो जाएगी खड़ी, इसलिए नहीं ठीक नहीं। आगे देखा है भगवान शंकर बैठे हैं, दिव्य स्वरूप है, जटाओं में गंगा है, मस्तक पर चंद्रमा शोभा पा रहा है, कामी भी नहीं है, परम योगी है, बड़ा आनंद है, तपस्या करने वाले हैं बड़े, लेकिन इनका जो ठाट वाट जो संग है ना ये अच्छा नहीं है, बस में लपेट लेते हैं, मुंडों में गले में मुंडों की माला पहन लेते हैं, मृत शर्मा आदि को बस डाल लेते हैं, और भूत प्रेत के साथ उनका साथ है, इसलिए ठीक नहीं है। आगे गई साक्षात स्वयं भगवान नारायण विराजमान अपने आसन आदरों पर, हल्की सी मुस्कान, आंखें बड़ी सजल हैं, बहुत सुंदर पीतांबर धारण किए हुए हैं, बड़ा आनंदमय भाव है, घुंघराले बाल, मोटे मोटे नेत्र, काना में कुंडल दोलायमान हो रहे हैं, लंबी भुजाएं हैं, गर्दनी पड़ी हुई है, चौड़ी छाती है, बड़ा आनंदमय भाव है, माता लक्ष्मी देख रही है, सब गुण संपन्न तो केवल यही है, तो फिर क्यों ना बुना लिया जाए, इसलिए वह जय माला उनके गले में डाल दी। लक्ष्मी जी के गले, लक्ष्मी जी ने जब भगवान के गले में जयमाला डाली तो भगवान ने तुरंत हाथ पकड़ लिया, और हाथ पकड़ करके एकदम से कहने लगे, चलो यहाँ रुकना ठीक नहीं है, यहाँ से चलने में भलाई है, क्योंकि सुनो ये सागर मंथन देवता और दानव कर रहा है, लक्ष्मी जी को और कोई ले जा रहा है, ये बर्दाश्त नहीं होगा इनसे, इसलिए हाथ पकड़ के वैकुंठ के लिए चलेंगे, प्रेम से बोलेंगे लक्ष्मी रमण भगवान की, और वही हो गया। देवताओं से दैत्यों ने कहा, सुनो अपने अपने घर जाओ, क्यों? दैत्य कहने लगे, जो भी निकलता है तुम ही लोग ले लेते, अब रोष आ गया, लक्ष्मी जी की प्राप्ति नहीं हुई ना, तो हम मेहनत कर रहे हैं, बताओ हमें तुम कुछ नहीं दे रहे। देवताओं ने भगवान से कहा, लक्ष्मी जी को लेकर के वैकुंठ में बैठ गए, अब ये बताओ कम से कम के क्या कर रहे हैं। भगवान ने कहा देवताओं से, कह दो इन दैत्यों से अब की बात जो निकलेगा वो इन्हें ही दिया जाएगा, इन्हें दिया जाएगा, कितनी चालाकी से काम लिया, चाहे वो अमृत ही क्यों हो दे दिया जाएगा। लेकिन उसके बाद में सागर मंथन चलाया ना तो बाणवी नाम की कन्या निकली, और देखिए ये मगरा निकली है, यह दैत्य को दी, नंबर किसका? भगवान ने कहा कि अब की बात जो निकलेगा वो इन्हीं का होगा, दैत्य होगा, तो वह किने मिला है? देखिए दैत्यों के अधिकार में आई है यह मदरा, वह लोग कह देते हैं भाई यह तो रत्न है सागर से निकला, लेकिन नहीं, यह सागर से निकलने वाला जो रत्न है ना, यह मिला कैसे, यह भी तो सोचो, इसे विचार करने का विषय है, यह सोचने का विषय कि यह रत्न जो निकला है सागर से, यह मिला कैसे है, और जब तक इसका विचार नहीं करोगे ना तब तक सुख नहीं है। मदरा
दैत्यों के पाने के योग्य होती है, हमारे नहीं। शराब को हमें नहीं पीना चाहिए, दैत्यों को पीना चाहिए। राक्षस लोग होते हैं वह पीते हैं मदरा को या शराब को, याद रखना। इसलिए उसे अपने जीवन से हटाने का प्रयास करो, उसे चुपकाने का प्रयास नहीं। उसके बाद में ध्वजी नाम के चंद्रमा निकले, जिन्हें बालचंद्र कहते हैं, वो भगवान भोलेनाथ को दे दिए गए। और देखिए इसी आधार से आज स्वयं शोभायमान धन्वंतरी जी भगवान अमृत का घड़ा लेकर के आ गए। और जैसे ही अमृत का घड़ा लेकर के आए, दैत्यों ने दौड़ करके अमृत को छुड़ा करके भागना प्रारंभ किया। और जैसे भागना प्रारंभ किया ना, तो अब तो वह देवता लोग भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं, प्रभु अमृत तो दैत्यों के हवाले हैं और हमारी बस की तो नहीं है, तो उनसे छुड़ाए। अब क्या करना, आपने तो अमृत हमें पिलाने का वादा किया था और ये अमृत को छुड़ा करके दैत्य लोग ले गए। तभी भगवान ने देखिए क्या किया, एक बात तो सुनिए, परमात्मा की शरणागति पाने पर, उनकी शरण में आ जाने पर हर प्रयास वह उसकी रक्षा का करने का प्रयास करते हैं। और देवताओं ने समर्पण भगवान को कर दिया, तो देखिए देवताओं से अमृत लेकर के दैत्य चले गए, तो क्या कर रहे हैं, जो कि न करना था वह भी कर रहे हैं। और क्या किया है, मोहिनी रूप धारण किया भगवान ने, और मोहिनी रूप धारण करके सारे दैत्यों की बुद्धि को खराब कर दिया। विश्व मोहिनी बन गए रे माया के रचैया। देवताओं को अमृत पिलाने के लिए भगवान मोहिनी अवतार लिया है। माया की रचैया, सारे जग की रचैया, माया की रचैया, सारे जग की रचैया। जिनकी एक अगर ये प्रभु की थोड़ी सी सजल हो जाती है ना, तो दुनिया का पालन हो जाता है। और उनकी भक्ति थोड़ी सी टेढ़ी हो जाती है ना, तो दुनिया का प्रलय हो जाता है। ऐसे परमात्मा आज मोहिनी अवतार लेकर के देवताओं का कल्याण कर रहे हैं। विश्व मोहिनी बन गए रे
बाकी लोड़ो नाम चित मन बाकी उमा लक्ष्मी जैसी झांकी उमा लक्ष्मी जैसी झांकी उमा भक्त प्रेम में सज गए रे माया से रचैया खुशी खुशी से बन गए रे माया से रचैया खुशी खुशी से बन गए रे माया से रचैया हंस हंस की कोयल भाषा हंस हंस की कोयल भाषा हंस हंस की कोयल भाषा ओ भगवान मन तन करे रे माया से माया के रचैया सारे जग के रचैया के रचैया सारे जग के रचैया के रचैया सारे जग के रचैया विश्व मोहिनी बन गए सारे जग के रचैया और दैत्यों के पास में जब ये गए तो इनकी सौंदरता वाली छवि को देख करके दैत्यों की बुद्धि खराब हो गई। ये कहां करने लगे और राजा बलि ने बड़े प्रेम से पूछा आप कौन हैं बेबी कहां से आई हैं आप क्या करते हैं कौन हैं आप। तो आज अपने बड़ी सुंदर छवि के द्वारा भगवान ने बहुत सुंदर कहा है राजन हमारा नाम है मोहिनी और हम लता पताओं की पुत्री हैं और हमारा जो काम है ना वो सुनो हमारा काम है नित्य का आलंगन करना लेकिन धंधा नहीं है। जहाँ शीतल स्वभाव होता है जहाँ सरलता होती है और जहाँ सत्य का अनुसरण होता है वहाँ अपना ये आलंगन हम करते हैं। राजा बलि ने कहा तो तुम हमारे दरबार में चलकर हमें अपने नित्य का आलंगन करो। मोहिनी भगवान ने कहा तुम आपस में लड़ झगड़ रहे हो मैं तुम्हारे साथ में जाऊं देवताओं से दैत्यों ने कहा भैया ये लड़ना झगड़ना तो हम बंद कर देंगे ये लड़ना झगड़ना जो हो रहा है ना ये केवल अमृत के कारण हो रहा है और जब ये लड़ना झगड़ना बंद हो जाएगा तो तुम चलोगी ना कैसे करोगे तुम ये लड़ना झगड़ना बंद। मोहिनी भगवान कह रहे हैं
दैत्य कहना यह लड़ना झगड़ना अमृत के कारण हो रहा है, अमृत को तुम ले लो और बराबर बराबर बांट दो, झगड़ा समाप्त हो जाएगा, पर चलना हमारे साथ। कोई नहीं, भगवान कहने लगे इसीलिए तो आया हूं, अमृत का घड़ा अपने पास में अपने हाथों में ले लिया भगवान ने। और सज्जनों अमृत का घड़ा लेकर के आज एक पंक्ति में दैत्यों को बैठा दिया, एक पंक्ति में देवताओं को बैठा दिया, लेकिन आज भगवान मोहिनी राजा बलि से कह रहे हैं, राजन मैं तुमसे बहुत प्रेम करती हूँ, इसलिए मैं तुम्हें एक राज की बात बताना चाहती हूँ। क्या राज है? मोहिनी भगवान बड़े प्यार से कह रहे हैं, तुमने मुझे चाहा है, मैंने तुम्हें चाहा है, इसलिए वो राज बताना चाहती हूँ तुम्हें। ये जो अमृत है ना, ये बहुत समय से समुद्र में रखे रखे जम गया है, इसलिए ऊपर पतला अमृत है, नीचे गाढ़ा अमृत है, बस इतना बता दो कि तुम्हें कौन सा अमृत है। राजा बलि कामातुर हो रहे हैं, परेशान, बुद्धि खराब है दैत्यों की। उन्होंने कहा देवी ये अमृत भी गाढ़ा और पतला होता है, हाँ गाढ़ा वाला पियोगे ज्यादा अमर हो जाओगे, पतला वाला पियोगे कम अमर रहो। दैत्यों ने कहा तो हमें गाढ़ा वाला पिलाओ जिससे ज्यादा अमर रहे, हम क्यों पिए पतले वाले को, और तुम भी हमारी हो तो फिर हमें तो गाढ़ा ही वाला बाद में पिला देना, कोई जल्दी थोड़ी है, कोई जल्दी नहीं है। और मोहिनी भगवान कह रहे हैं फिर दैत्यों से, तो फिर यह तय रहा कि मैं देवताओं को अमृत पिला दू, हाँ पिला दो। भगवान ने कहा देवताओं को अमृत पिलाने के लिए दैत्यों ने कहा है, स्वयं कह रहे हैं तुम पिलाने में बुराई नहीं है ना, कोई दोष भी नहीं है, इसलिए भगवान ने देवताओं को अमृत पिलाना प्रारंभ कर। लेकिन इनमें एक दैत्य था सर्वभानु नाम का, बड़ा चालाक था, विचार कर रहा है जब गाढ़ा पीने से ज्यादा अमर हो जाएंगे तो दो बार अगर मिल जाए, पतला भी मिल जाए गाढ़ा भी मिल जाए तो और ज्यादा अमर हो जाएंगे, इसलिए दोनों ही पी लो। उसके दिमाग में कितना बड़ा काम किया है। और देखिए यह देवताओं के पास में है, देवताओं का स्वरूप बना करके चंद्रमा और सूर्य के बीच में बैठ गए। भगवान ने पंक्ति भेदन न करने के कारण वह अमृत पिलाया, उसकी बाद में उससे सर्वांगों को पिलाया, देवताओं को जैसे पिला, बीच में रहता अलग नहीं है, उसकी बाद उसे दैत्य को भी अमृत पिलाने के बाद चंद्रमा को जैसे अमृत पिलाया, सभी देवताओं ने खड़े होकर कहा प्रभु आपने ये क्या कर दिया, ये तो दैत्य है। भगवान ने सुदर्शन को बुलाया, गर्दन पर चला दिया, लेकिन अमृत नीचे उतर गया इसलिए मरा नहीं, सब अलग हो गया, घर अलग हो गया, दो हो गए। अब अन्य आनंद लेने वाले देवता क्या कह रहे हैं, भगवान ने कहा देवताओं ये मरेगा नहीं, और टुकड़े कर दूं क्या, किसी ने कहा हाँ और कर दो, लेकिन सूर्य चंद्रमा हाथ जोड़ करके कह रहे हैं नहीं, हमें सताने के लिए दो ही काफी है, चार मत बनाओ, एक से तो दो हो गए और दो से चार हो जाएंगे, बताओ प्रभु आप। दैत्यों ने देखा हमारे साथ में छल किया है, और सज्जनों वही राजा बलि ने कहा है हमारे साथ में छल किया गया है, इसलिए पकड़ो इन देवताओं को और मार डालो। भगवान ने कहा देवता और क्या देख रहे हो, अमृत पी करके भी अमर हो गए हो, बलशाली हो गए हो, अब क्या देख रहे हो, अब युद्ध प्रारंभ कर दो। और देखिए वहां पर देवासुर संग्राम हुआ है, महाभयानक युद्ध हुआ, और राजा बलि को मारने के बाद में राजा इंद्र अपने राज सिंहासन पर चले गए और बड़े सुंदर भाग से उत्सव मनाने लगे। इन्हें लक्ष्मी की भैरव की प्राप्ति हो गई है भगवान की कृपा से, सुनो लक्ष्मी की कृपा से लक्ष्मी नहीं मिलेगी, परमात्मा की कृपा से लक्ष्मी मिलेगी। एक बात तो बताओ, मैं आप लक्ष्मी के पीछे भागते रहो नहीं मिलेगी। हमारे बड़े बुजुर्गों की एक कहावत आती है, गुरुकुल में पहले जब बताया जाता है सर्वप्रथम पहले जब हम जागते हैं तो हमें क्या करना चाहिए, वो बड़े बुजुर्ग बता देते कि आज भी करते हैं हम न करें, आज का नौजवान न करें, लेकिन बुजुर्ग लोग आज भी करते हैं, चाहे मंत्रों में याद हो या न हो लेकिन ऐसे जरूर करेंगे। अब ऐसे करने का मतलब क्या, वैसे करते हैं क्या, जगह और ऐसे समय बर्बाद कर रहे हो, नहीं नहीं, ये समय बर्बाद नहीं होगा, ऐसे करके देखते हैं अपने अग्रभाग को, प्राग्रय वस्ते लक्ष्मी कर्म दे सरस्वती कर्मूले तो गोविंद प्रभाते कर।
लेकिन वह ऐसे अब एक बात बताऊं, रात समझने की बात है, रात्रि तो चैन विशेष ध्यान से सुनना, रात्रि तो चैन में कट गई, अब दिन आने वाला है भगवान। अब दिन आने के बाद में क्या होगा, जन्म किसकी पड़ेगी, लक्ष्मी की। भाई बेटा कॉलेज जाएगा, फीस मांगेगा और बिजली का बिल भी देना है, बहुत सारी खेत के लिए बीज भी लाना है, ट्रैक्टर वाले को पैसा देना, पानी वाले को देना, लक्ष्मी की आवश्यकता है ना। बड़े बुजुर्गों की कहावत गलत नहीं है, रात्रि वक्त लक्ष्मी, हे माता लक्ष्मी, जागने के बाद तुम्हारी आवश्यकता सबसे पहले। लेकिन सुनो, ये लक्ष्मी कब मिलेगी, कर्मध्य सरस्वती करके मध्य भाग में जो सरस्वती माता है उन्हें भी मना रहे, क्योंकि जब तक बुद्धि नहीं होगी सरस्वती की कृपा से, तब तक लक्ष्मी कैसे मिलेगी यह सोच सा नहीं जा सकता। और वो क्या करेंगी, मतलब सरस्वती बुद्धि का प्रकाश चेतन भी करेंगी हमारे जीवन में, और जब बुद्धि का प्रकाश चेतन होगा तो फिर उसके बाद में कर दिया कर्मूले तो गोविंद, हे भगवान, यह दोनों है ना, वो आपकी कृपा से मिलने वाली नहीं है, ना तो सरस्वती मिलने वाली, ना लक्ष्मी मिलने वाली, इसलिए हे प्रभु आप कृपा बनाओ, और जब तुम्हारी कृपा बन जाएगी ना तो फिर इन दोनों की कृपा बन जाएगी, इसलिए भगवान गोविंद को बार बार सुन करके याद कर रहा मना रहा, इसलिए आप किया करें, कोई नहीं करता होगा प्रेम से बोले, और फिर माता पृथ्वी को स्पर्श करना, यह छोटी सी बात है, इनसे यश कीर्ति धैर्य बढ़ता है, छोटी छोटी बातों से माता पिता बुजुर्गों के चरण स्पर्श करने से यश की कीर्ति होती है, हमारे हमारे अंदर बल सौरत बढ़ती है। और देखिएगा उसके बाद में बड़ा आनंद का विषय, बड़े आनंद के साथ युद्ध हुआ, देवता आनंद में हो गए, बलि का वध हो गया, लेकिन शुक्राचार्य ने पुनः राजा बलि को जीवित कर लिया। और देखिए जीवित करने के बाद में आज ब्राह्मणों को बुला करके, और देखिए उन्होंने यज्ञ किया, जब उस यज्ञ को किया गया है तो उस यज्ञ से एक दिव्य तरकस निकला है, धनुष बाण निकले, रथ निकला, दिव्य कवच निकला, दिव्य कुंडल निकले, दिव्य ध्वजा निकली है। ये सब को प्राप्त करने के बाद बलशाली होकर के राजा बलि पुनः देवताओं के पास में युद्ध करने चल दिया, और राजा बलि ने देवताओं को परास्त कर डाला। देवता लोग अपने स्थानों से भाग गए, शुक्राचार्य जी राजा बलि को हमेशा के लिए देवराज इंद्र बनाने के लिए 100 अश्वमेध यज्ञ की दीक्षा दे रहे थे, और देवता भगवान के पास में आकर कह रहे हैं आप प्रभु हमें क्या करना चाहिए, भगवान कह रहे हैं देवताओं तुम्हारे अंदर विवेक की कमी है, इसलिए सतबुद्धि और विवेक की प्राप्ति तब होती है जब भजन किया जाए, जब तक भजन नहीं करोगे यह नहीं मिलेगा, इसलिए तुम भजन करने के लिए कंदराव में चले जाओ। भगवान के कहने पर ये देवता लोग अपने आप को इधर उधर छुपा रहे हैं बेचारे, लेकिन राजा बलि यज्ञ कर रहा है, इस यज्ञ से कोई ब्राह्मण भूखा नहीं जाता, कोई भी दुखी नहीं जाता, परमात्मा की कृपा से राजा बलि का जो वैभव है ना त्रिलोक में छा रहा है, बड़े आनंदमय यज्ञ चल रही है, नर्मदा नदी के किनारे अश्वमेध यज्ञ को किए जा रहे हैं राजा बलि, महात्माओं की संतों की बड़ी कृपा है इनके ऊपर। लेकिन वही आज बहुत समय के बाद में कश्यप ऋषि अपनी पत्नी अदिति के आश्रम पर पधार चुके हैं, और सज्जनों जब माता अदिति की आश्रम पर कश्यप जी आए हैं ना, तो माता अदिति ने आज उनके चरणों को पकड़ लिया है, आपकी जो पत्नी है ना दिति, उसके पुत्रों ने मेरे पुत्रों का राज वैभव सब छीन लिया है, मैं बहुत परेशान हूँ, तो माँ उनके पुत्र दर दर भटक रहे हो, भूखे डोल रहे हो, परेशान हो, उनका धन उनका राज उनका वैभव छीन लिया गया हो, वह बहुत दुखी होती है, आज मेरे पुत्रों के दुख से निकालने का कोई भी उपाय मुझे बताओ मैं करूंगी। कश्यप जी ने कहा तुम्हारे पुत्रों के दुख का एक ही निवारण मेरे पास है, उन्होंने उन्हें बहुत अच्छा प्रयोग व्रत की राय दी है, एक बहुत सुंदर अनुष्ठान, बहुत सुंदर व्रत करने के लिए कहा, माता आदिति ने यह व्रत किया है, देखिए कितना सुंदर व्रत है, और माता आदिति ने इसे धारण किया, स्वामी सुखदेव जी बड़ा सुंदर राजा परीक्षित को बता रहे हैं, फाल्गुन श्यामले पच्छे द्वादशाय प्रयो व्रत, द्वादशाय प्रयो व्रत
श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे।